हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। What's up guys, क्या हालचाल? Welcome to my new vlog। और आज देख रहे हो दिल्ली का मौसम कैसा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है और हवा तो इतनी तेज चल रही है कि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं किसी को भी उड़ा के ले जाएगी। दरवाजे इतनी तेज खड़खड़ खड़खड़ बज रहे हैं। बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम है पर हवा बहुत तेज है। खाने में आज मैंने बनाए हैं काले छोले। फिर लोग कमेंट्स में लिखेंगे आपके घर तो छोले ही बनते हैं, तो क्या करूं भाई, मेरे बच्चे छोले खुश होके खाते हैं, उसके साथ रोटी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ हफ्ते में दो बार। लेकिन मल्लन साहब को चने के साथ रोटी अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए बन रहे हैं प्याज टमाटर के टोस्ट। 20 minutes later ओके, तो सबका खाना वाना हो गया और मेरे ये शहजादे भाई साहब जी अभी आए हैं। अभी ब्रश हो रहा है, कर लो ब्रश कर लो। एक हफ्ते की नींद पूरी कर ली। रात को सोना नहीं, सुबह उठ के कहना एक हफ्ते की नींद पूरी कर ली। रात को चाहे सोए ना हो पर एक हफ्ते की नींद पूरी कर ली। नहीं, अब तो कर ली। सच में कर ली। और इधर किसने मारा गर्दन पे? तूने मारा रात को, मेरे गला दबाया तूने। हाय सच्ची? जो याद नहीं ना मेरे को तो याद ही। क्या बताऊं बच्चों को, ये बेचारे टीवी के जुल्मों के मारे इनको थोड़ा सा चाहिए हमदर्द का टॉनिक। बस कह रहे बस इतना ही बोलना था मेरे को। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। उठ गया हूँ, ब्रश भी कर लिया है, दोपहर के 4 बज रहे हैं। दिख रहा है तुमको टाइम? एक्चुअली मैं ना पिछले एक हफ्ते से सो नहीं पाया क्योंकि काम वाम के चक्कर में पिछले एक हफ्ते में काफी सारा काम कर लिया, वीडियोस बना ली, स्ट्रीमें कर ली, तो इसलिए जो है आज मैं बहुत ज्यादा ही सो लिया, ओवर स्लीप कर लिया। और मेरा तो प्लान था कि आज मैं उठूं ही ना, समझ रहे हो, मैं सोचा कल ही उठता हूँ सीधा, बट फिर मम्मी ने बोला उठ जा खाना खा ले, तो मम्मी ने उठा दिया, वरना मैं तो कल ही उठने वाला था सीधा। मम्मी जी, अब मम्मी जी खाना बना रही है छड्डे लई, अब मम्मी जी छड्डे लई खाना की बना रहे हो? काले चने तेरे फेवरेट? मेरा तो रोज ही कुछ डिफरेंट फेवरेट हो जाता है, बट सही है, आई लाइक। पर चलो खुश होके खा तो लेता है, फेवरेट नहीं सही, खुश होके तो खाता है ना। खा लेता हूँ भैया। मम्मी मेरे को पता है क्या खिलाओ, शाम में भेलपुरी। मुझे दिन में खिलाओ भेलपुरी, मुझे शाम में खिलाओ भेलपुरी, मुझे रात में खिलाओ भेलपुरी, 24 घंटे भेलपुरी। भेलपुरी से एक्चुअली ना वजन नहीं बढ़ता है, वेट भी कंट्रोल में रहता है, हल्का फुल्का रहता है। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, डेफिनेटली कैमरा में तो कैप्चर नहीं हुआ होगा। मेरे सर पे लगते होगी, लग गया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हो डेफिनेटली नॉट, एकदम ठीक हो गया। सिर तो ऐसे लेके बैठा हुआ है? नहीं नहीं, वो तो खुजली कर रहा था मैं। अच्छा, मुझे लग रहा तू भेलपुरी खा के ना पतला हो गया, इसलिए ज्यादा लंबा हो गया। बेचारे को अपने घर में झुक के चलना पड़ता है, चलता है वो, पर नए घर में, तो चलो ना फिर नए घर। मैं 4 दिन पिकनिक बना के आ गए, वापस आ गए, मेरा बस चले तो मैं तो वही रहूं। अब तुम लोग जहाँ रहोगे मैं तो वहीं रहूंगी ना। अब तुम वापस आ गए तो मैं क्या करती वहाँ अकेली, है ना? जहाँ ये रहेंगे वहीं तो मैं रहूंगी ना, मैं अकेली कैसे रह लूं? 3 दिन बाद कह देते हैं चलो 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 चलते हैं। आप बोलते हो नए घर चलो, और आपके पति बोलते हैं यहीं पे रहना है। उनको तो यहीं रहना है, लेकिन मुझे तो नहीं। पापा बोलते हैं जाओ मम्मी को लेके उधर चले जाओ, पापा कहते हैं वो यहीं रहेंगे। हमने कहा बागबान तो आप खुद कर रहे हो, हमने थोड़ी ना करा कुछ, जबकि उन्होंने देखी भी नहीं है बागबान। अच्छी धूप लग रही है तो इसलिए बैठ गया छत पे, हवा भी तो चल रही है, धूप भी लग रही है, हवा भी चल रही है। गाना बंद हो गया तो तुम मेरे 2 सुन रहा था।
वायरल हो रखा है ना ये गाना आजकल, बहुत सारी रीले बन रही हैं, वायरल हो गया है। आप लोग भी बनाइए रीले और टैग करिए। हमने भी तो बनाई थी। हाँ, आप ही की रील के बाद तो वायरल हुआ है। बड़ी क्यूट रील है मम्मी और अब्बू की। आप भी बना सकते हैं मेरे साथ। फिर वो आप तो कभी बनाते नहीं ना, कुछ अलग बनाएंगे। कोई रील नहीं बनाई आज तक। मैं रीले बनाता ही बहुत कम हूँ ना मम्मी। बहुत कभी कभी। कभी कभी तो कभी कभी मेरे साथ भी बना लो। बना लूंगा मम्मी, पर वो सेम चीज नहीं बनानी ना जो अब्बू ने बनाई थी, कुछ अलग करेंगे। जब आइडिया आएगा तो बना लेंगे। ओके ओके, कर ले कर ले कर ले, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। जिम तो तूने जाना नहीं। नहीं, नए घर में मशीनें बस लगने वाली है आज या कल में। हाँ हाँ, बात हो गई। वो तो बड़े टाइम से हुई हुई है। आज या कल में मशीन। यार मम्मी यार, मतलब देखो देखो यार, क्या ही जरूरत है मेरे को। फिर भी बंदा फिट है, क्या चाहिए और जिंदगी में। खाना तो कम से कम कंट्रोल है, पर अब देखो कल परसों में लग जाएंगी मशीनें। हाँ। फिर नए घर में जिम शुरू रेगुलर। Hope for the best. सारी एक्सरसाइज कर दूंगा यार। बाइसेप, ये ट्राइसेप, ये चेस्ट, ये शोल्डर, ये बैक। कौवा भी हाँ कर रहा है। हामी भर रहा है। वो देख, वो बैठा हुआ करो। करूंगा ना मैं। हाँ 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 हाँ, देखा। उसने भी जरूर करेगा। एक मिनट, अगर तुझे लगता है कि मैं कभी जिम मिस नहीं करूंगा तो हाँ बोल। One eternity later. उसको पता है। नहीं हंस दिया वो। हाँ कर रहा है। हाँ हाँ, वहाँ नहीं बोल रहा। हाँ कर रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने नए घर के लिए टॉयलेटरी की शॉपिंग करने, और आज तानिश की ड्यूटी लगाई है। किचन का सारा सामान तो हर्ष के साथ कर रहे थे शॉपिंग, लेकिन रोल बटे हुए हैं। सबके रोल बटे हुए हैं, और टॉयलेटरी अभी रह रही थी तो इसलिए आज वो लेने जा रहे हैं। मतलब घर कंप्लीट होगा तभी तो रहने का मजा आएगा ना। नहीं होने को आ रहा ना। ऐवी थोड़ी कहते हैं, हाथी बांधना आसान है और उसको पालना बड़ा मुश्किल है। पालना मुश्किल है। हाँ, बस वही हिसाब है। इतना बड़ा घर बना लिया, लेकिन वो सामान है कि खत्म ही नहीं होता। और अभी भी ये नहीं, टॉयलेटरी लास्ट होगी। अभी इसमें बहुत सारी अभी बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ, कभी तो होगा ना, कभी तो जाएंगे नए घर में। सुबह बारिश हुई थी और देखो गाड़ी का हाल। काली गाड़ी लेने का यही एक डिसएडवांटेज है कि जल्दी गंदी हो जाती है, पूरी गंदी पड़ी है। तो पहुंच गए हम मार्केट और देखते हैं, अभी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमें वैसे इस मार्केट का पता तो नहीं है। पूछ पाछ के पहुंच गए। अब पूछ पाछ के सामान भी ले लेंगे। तो मैं आई इस शॉप पे, मैंने यहाँ पे डस्टबिन और इनकी शॉपिंग करी, ले लिया हमने इतना सारा सामान। देखो मेरी नेगोशिएशन स्किल्स काम आ जाती हैं। यहाँ पे तो नहीं आई, यहाँ पे तो अंकल जिद्दी थे। 1 रुपया ही नहीं कम करा। 20 कराए आंटी लास्ट में। 20 रुपए कम। 20 रुपए कराए वो अंकल ना, थोड़े जिद्दी थे। बाकी को तो तोड़ दिया, ठीक है कम करा दिया। यो अंकल कह रहे एक ही रेट है, बच्चे को भेज दो 5 साल को किसी को भी। हाँ। मैं कहा ठीक है। पूरे 3-4 घंटे के बाद मैं घर पहुंची हूँ। मैंने पूरे, मतलब जो हमारे 7 बाथरूम है ना, 7 बाथरूम के लिए 7 डस्टबिन, 7 वाइपर, फिर मतलब पूरा टॉयलेटरी मैंने एक ही बार में ले लिया, और पूरा बल्क में ले लिया ताकि बार बार जाना ना पड़े। और घर आके मैंने क्या देखा है कि अभिषेक तो गया हुआ है विशाल मिश्रा के कॉन्सर्ट पे, और निश्चय ने लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करी हुई है, तो मेरी याद किसको आनी थी। मैं भी सोची जाऊँ कि मेरे को किसी का फ़ोन क्यों नहीं आया, क्योंकि मल्लन साहब तो एज ऑलवेज अपने ही धुन में बिजी हैं टीवी देखने में, तो इनको मेरी कहाँ ही याद आनी है। तो वैसे भी मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो खाने की तो कोई टेंशन है नहीं। अभिषेक तो बाहर से ही खा के आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और निश्चय जब भी लाइव स्ट्रीम करता है तो वो भेलपूरी खाता है, तो इसलिए खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। मल्लन साहब को खिलाना है बस, अभी मैं उनके लिए बनाऊंगी खाना। मीनवाइल तूने जुआ। हेलो
मम्मी देखो अभी भी यहाँ पर बैठी हुई है, रात के 1 बज रहे हैं और मम्मी आपको नींद क्यों नहीं आ रही, मैं ये जानना चाहता हूँ। बताओ। तेरी वेट कर रही हूँ मैं। और झूठ मत बोलो। आपको आ गई थी नींद आराम से? आराम से नींद आ गई थी। ये पूछने आई है रात को 1 बजे कि तू अभी कॉन्सर्ट अटेंड करके आया, क्या तूने कंटेंट शूट करा? तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो वहाँ ना बहुत ज़्यादा शोर था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, तो मैं सारे गाने सुन रहा था, तो उसमें मैं बह गया तो कंटेंट नहीं निकाल पाया, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और विशाल सर ने आपकी भी बहुत तारीफ करी, उन्होंने बोला क्या घर बनाया है आप लोगों ने। तो आप बोल दो, एक बार उनको बोल दो कि अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो और अगर नहीं देख रहे हो तो लोग टैग कर देंगे कि आपने घर आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने घर आना है सर आपने, प्लीज। और आपको उनका फेवरेट गाना कौन सा है? वैसे तो उसकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत ज्यादा। और एक तो मतलब वो ना बड़े, मेरे को उनको देख के सबसे अच्छी चीज पता क्या लगती है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल। मेरे सारे दोस्त, आप तो विशाल सर अगर आप देख रहे हो तो अपने घर जरूर आना है, बट मतलब मेरे सारे दोस्त बाहर निकले पता कहते हैं, कहते देख हम तेरी तारीफ करते हैं कि तू बहुत ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है, पर भाई ऐसे ही रहना है जैसे विशाल सर है। मैंने कहा सबसे हर इंसान से कुछ सीखना चाहिए, आवाज तो हमारी वैसी नहीं हो सकती बट मॉरल वैल्यूज सीखी जा सकती है। बिल्कुल, तो आना है, आना है, आना है, बिल्कुल आना है। और हमारे घर आगे हमें भी गाना सुनाना है। अरे मम्मी को प्राइवेट वो शो चाहिए एकदम, यहाँ पर पहले भी मैं क्या बात है, व्लॉग पे कॉपीराइट मत देना। बस मम्मी अब आप सो जाओ क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ जिम। मेरे को जिम की ना अलग उसका लग गया, जिम जाना है, जिम जाओ बॉडी बना, चाहे रात के 2 बजे जाओ पर जिम जाओ। तो गाइस कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद हम आ चुके हैं जिम। यस, रात को 2 बजे हम जिम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब बनेगी मेरी बॉडी। और भाई जिम देखो बिल्कुल खाली, लिटरली एक बंदा और है और मैं और नीतीश, मतलब टोटल 3 बंदे और 1 ट्रेनर साहब, 4 बंदे हम वर्कआउट करने वाले हैं। ओहो आई लव एम्प्टी जिम्स, बट मतलब आवाज़ भी गूंज रही है मेरी यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से दो देखो। एंड भाई गिराता मैं गिराता भाई, बट यस मेरे को एक चीज़ समझ आई है लाइफ में, देखो पैसा कमाना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बीच में ना मैं बिल्कुल हेल्थ का ध्यान नहीं देता था, मेरे को इतनी सारी दिक्कतें हो गई थी, बट अब तुम्हारे भाई ने बिल्कुल ऐसे ना ठान ले रखा है कि भाई हफ्ते में 5 से 6 दिन जिम जाने ही जाना है और बॉडी बनानी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और नीतीश ने बोला, नीतीश अभी पतला होकर दिखाएगा इस साल, इसको मैं जबरदस्ती जिम लाता हूँ। नहीं नहीं भाई जिम चलो, और अभी आप तुम मानोगे अभी 2 बज रहे हैं और 4:30 में निकलना है, क्योंकि 7 बजे सुबह की हमारी फ्लाइट है, तो 6 बजे तक, 5:30 तक हमारे को एयरपोर्ट भी पहुँचना है, क्योंकि कल है हमारा गोवा में एक इवेंट और उस इवेंट में यार बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब तुम समझो हनी सिंह भी आ रहा है, कार्तिक आर्यन और नेहा शर्मा, पूजा हेगड़े, बहुत लोग आ रहे हैं, तो इस क्लब की ओपनिंग है, तो वहाँ चलेंगे फिर वहाँ पार्टी करेंगे, लेट्स गो। इश्क़ चेचना